जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और आज ये हमारे पास अटैची मशीन है 350, इसके अंदर प्रॉब्लम है। ये इसका चाबी स्विच ऑन करेंगे, वार्निंग आती है। ये वार्निंग जो आ रही है, ये अब स्टार्ट करेंगे। बेल शुरू हो गई है इसकी, अब मशीन जब तक स्टार्ट रहेगी ये बेल रहेगी। इधर ये वार्निंग जो है ये ऑयल इंजन ऑयल सेंसर की है, मज़ीद उसको चेक करेंगे एक दफ़ा। मज़ीद जो है उसको इसका जो ऑयल सेंसर है उसको चेक करेंगे, उसका ग्रिप उतार के चेक करेंगे कि सेंसर ख़राब है या कि उसकी वायर कहीं बॉडी के साथ टच है। ये लोकेशन है इसकी ऑयल के सेंसर की, ये सेंसर है सामने, ये ऑयल टेम्परेचर गेज जो है। तो अब ये यहाँ से ऐसे तो कंफर्म नहीं होगा, इसका ग्रिप उतारेंगे। ग्रिप उतारने के बाद जो है इसका ये ग्रिप इसका उतार दिया। अब जो है चेक करेंगे, अगर वार्निंग आ रही है तो फिर किसी और सिस्टम की, और हाइड्रोलिक की है या किसी और आइटम की है। अगर इसी की है, इंजन के रिलेटेड है, तो फिर यही है ग्रिप है इसका और एक ही सेंसर है। ये मशीन के अंदर आ गए, स्विच ऑन करेंगे। अब यहाँ पे बैटरी का सिग्नल आ गया, वार्निंग ख़त्म हो गई है। यहाँ पे सिग्नल जो है ये वाला बैटरी का आएगा, अल्टरनेटर का। ये तो जब मशीन स्टार्ट करेंगे, जनरेटर चार्जिंग करेगा तो ख़त्म हो जाएगा। देखिए वो ख़त्म हो गया, लिहाजा हमारा जो फॉल्ट है वो 100% जो है ऑयल टेम्परेचर का है, ऑयल टेम्परेचर सेंसर जो है। बाकी एक दफ़ा घूम भी इलाज उलाज के वर्किंग भी चेक कर लेते हैं, काम भी मशीन बिल्कुल सही कर रही है। सिर्फ ये टेम्परेचर का है, ये जो ऑयल टेम्परेचर सेंसर है इसका प्रॉब्लम है। तो मज़ीद जो है इसको चेंज करेंगे, फिलहाल तो हमारे पास नहीं है। हमारा फॉल्ट जो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इसका ऑयल का टेम्परेचर जो सेंसर है उसके अंदर प्रॉब्लम है, जो कि ऑयल का जो पल्स है वो नहीं दे रहा कंप्यूटर को, और कंप्यूटर यहाँ पे सिग्नल दे रहा है ऑयल का। अगर वायरिंग शॉर्ट होती है इसकी, तो ग्रिप उतारने से भी सिग्नल आता। अगर वायरिंग का प्रॉब्लम होता, कहीं से बॉडी के साथ टच होती है, डैमेज होती है, तो जब हमने ग्रिप उतारा उसके बाद भी जो है सिग्नल यहाँ पर आता और बेल भी बजती। लेकिन जब ग्रिप उतारा, सिग्नल भी ख़त्म हो गया और बेल भी ख़त्म हो गई, तो 100% जो फॉल्ट है वो सेंसर का है। सेंसर का जो अंदर पल्स है, पारा एक होता है छोटा सा, वो ख़राब हो गया है, जिसके साथ ऑयल जो है वो सिग्नल नहीं दे रहा ऑयल का। तो ठीक है जनाब, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो बराए मेहरबानी मेरे दोस्त भाई जो कि वर्कशॉपों में काम करते हैं या कि इस फील्ड के साथ रिलेटेड हैं, उन तक पहुँचा देना, ताकि उनके नॉलेज में इजाफा हो जाए। अल्लाह ताला आपको अपने आप से मान में रखे, आमीन।